जम्मू कश्मीर में आज यानी 18 सितंबर 2024 को लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 7 जिले के मतदाता 10 साल बाद मतदान कर रहे हैं। मतदान पूरे जोर शोर से जारी है। सबसे तेज वोटिंग किश्तवाड़ और शोपियां में हो रही है। उमर अब्दुल्ला ने लोगों से ज्यादा वोटिंग करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि इंजीनियर राशिद चुनाव के बाद बीजेपी को समर्थन दे सकता है, इसलिए जनता सोच समझ कर मतदान करे। पहले चरण के मतदान के लिए सुरक्षा बलों और एजेंसियों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही चुनाव आयोग ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए भी विशेष व्यवस्था की है। दिल्ली, जम्मू और उधमपुर में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं। विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए दिल्ली में 4, जम्मू में 19 और उधमपुर में 1 विशेष मतदान केंद्र बनाया गया है। साथ ही जम्मू क्षेत्र के 3 जिलों और कश्मीर घाटी में 4 जिलों में 24 सीटों पर 90 निर्दलीय सहित 219 उम्मीदवारों के लिए 23 लाख से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। इसमें कश्मीर की 16 और जम्मू की 8 सीटें शामिल हैं। अगस्त 2019 में धारा 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला विधानसभा चुनाव है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो पहले चरण में 18 से 19 साल के 1,23,000 युवा वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जम्मू कश्मीर में कुल 3 चरणों में वोटिंग होनी है। पहले चरण में 18 सितंबर यानी आज वोटिंग हो रही है, दूसरे में 25 सितंबर और तीसरे फेज में 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। इन सभी चरणों में नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। 90 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 13 मुख्य दलों में मुकाबला हो रहा है। क्षेत्रीय पार्टियों में महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी और उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस इस चुनाव में प्रमुखता से मैदान में है। कॉन्फ्रेंस मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरी है। तो फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर यह बड़ा अपडेट है कि आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है और ये 10 साल बाद हुआ है। आपकी इस पर क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.